नमस्कार छात्रों, आज मैं आप लोगों को आठवीं कक्षा की कविता जो है उसके बारे में सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए पहले हम सब लोग एक वीडियो क्लिप देखकर आते हैं, उसके बाद हम उसके आगे का जो भाग है उसको देखेंगे। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कितनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम। अच्छा छात्रों, देखा वीडियो क्लिप पर आपने देखा है, तो आपको इस वीडियो से क्या जानकारी मिली? हाँ, इस वीडियो में हमने क्या देखा
कि हम भगवान की जो स्तुति कर रहे थे या भगवान से हम प्रार्थना कर रहे थे कि हमें ऐसे रखो, ऐसे दो, अथवा हमें इस तरीके से रखो, ऐसे पूछ रहे थे, है ना। हाँ, तो फिर ऐसी ही एक कविता जो आठवीं कक्षा के लिए रखी गई है जिसका नाम है प्रार्थना, तो उस कविता के बारे में हम यहाँ पे आज जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो फिर इस कविता को देखने से पहले जो शब्दार्थ है उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, देखिएगा, पहला शब्द जो है यहाँ पे क्या है, वो वारना। वारना का शब्द क्या है? न्योछावर करना, समर्पित करना। जैसे कि कन्नड़ में कहते हैं हम इसको समर्पणे माड़ू, समर्पिसु। फिर दूसरा जो है मति। मति का अर्थ क्या है यहाँ पे? बुद्धि। कन्नड़ में भी हम इसको क्या कहते हैं? बुद्धि ही कहेंगे। और वैसे ही जो तीसरा है विसराना। विसराने का अर्थ है यहाँ पे भुला देना। विसराने का अर्थ क्या है? भुला देना। भुला देने को कन्नड़ में क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे उसको? मरयुदु। फिर चौथा क्या है यहाँ पे? तुरत। तुरत का अर्थ यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे एक बिंदी लगाने से ये बन जाता है तुरंत। क्या हो जाता है ये? तुरंत, यानी कि जल्दी। कन्नड़ में क्या कहेंगे? तक्षणा और बेगा, इस तरह बोला जाता है। फिर पांचवा शब्द यहाँ पे जो दिया गया वो है मान। मान का अर्थ है यहाँ पे मर्यादा। कन्नड़ में भी हम इसको मर्यादे बोलते हैं। फिर शोक का अर्थ है यहाँ पे क्या है? दुख। शोक का अर्थ क्या है? दुख। कन्नड़ में भी क्या कहेंगे? दुखा। हाँ, और सातवां जो शब्द है अपमान। सातवां शब्द क्या है? अपमान। जैसे कि तिरस्कार, अनादर, तिरस्कारा, अवमाना बोलते हैं ना। फिर जो आठवां शब्द है निज भाषा। आठवां शब्द क्या है? निज भाषा। निज भाषा उसको कहते हैं जो कि अपनी भाषा, हमारी भाषा, यानी कि नम्म भाषे। तो हमारी भाषा कौन सी है? नम्म भाषे यावदु। हाँ, नम्म मातृभाषे कन्नड़ा। तो इस तरह जो यहाँ पे निज भाषा का अर्थ हो गया हमारी भाषा। तो छात्रों, हम लोगों ने यहाँ पे शब्दार्थों को देख लिया। अब शब्दार्थों को देखने के बाद मैं बताता हूं आपको जो कि हमारी जो कविता है उस कविता को किस तरीके से पढ़ा जाता है, जो मैं पढ़ते जाऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी किताब में या पाठ्य पुस्तक जो है उसमें देखते जाएंगे। तो देखिएगा, कविता का नाम है प्रार्थना। यह कविता संकलित है। सच बोले सच बात विचारें, सच बोले सच बात विचारें, भले काम पर जीवन वारें, भले काम पर जीवन वारें, मिलकर रहें नियम अपनाएं, मिलकर रहें नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराएं, बीती बातों को बिसराएं, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाएं, करें किसी का ना अपमान, करें किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, ऐसी ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हठ छोड़े संयम अपनाएं, हठ छोड़े संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। तो छात्रों, कविता को आपने देखा, तो आप देखिएगा इसको राग से कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं इसको एक बार आपके सामने पढ़ने का प्रयास करूंगा, आप ठीक से इसको देख लीजिएगा कहां पे कैसे पढ़ा जाता है।
सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। करे किसी का नाप मान, करे किसी का नाप मान, ऐसी ही मति दो भगवान। करे किसी का नाप मान, ऐसी ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे। तो कविता को इस तरीके से हम राग से भी इसको पढ़ सकते हैं, या आप अपना अपनी 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 जो अलग राग से आप इसको पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस कविता का अर्थ क्या है, है ना। तो पहले यहां पे बताया गया है, सच बोले सच बात विचारे, सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। सच का अर्थ क्या है? सत्य, सत्य बोलना चाहिए। सच बात विचारें, जो बात सत्य है उसी बात के ऊपर हमें विचार करना चाहिए, यानी कि बातचीत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठे विचारों पे हमें बात करें। फिर भले काम पर जीवन वारे, कैसे काम पर? भले काम, भला किसको बोलते हैं? जो अच्छा काम होता है उसको क्या कहेंगे हम? भला कहते हैं। भले काम पर जीवन वारे मींस हमारा जो जीवन है इसको हमें कैसे समर्पण करना है, जो भला काम हो, जो अच्छा काम है उसके लिए हमारे जीवन को हमें समर्पण करना चाहिए। तो समझ में आया पहला छंद। दूसरा देखिएगा, मिलकर रहें, हमें कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है, जैसे कि हम कन्नड़ में बोलते हैं सहबाळ्वे, है ना, सहबाळ्वे जो बोलते हैं, उस तरीके से हमें मिलजुल कर रहना है। नियम अपनाए, कौन से नियम अपना है अपनाना है यहाँ पे? जो घर के नियम होते हैं, या हमारे संस्कार होते हैं, या हमारे जो समाज के जो नियम होते हैं, उन नियमों को हमें अपनाना चाहिए। बीती बातों को बिसराए, जो भी कड़वी बातें हैं हमारे अंदर, या जो भी हमारी दुश्मनी है उसको क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए। भूल कर, बीती बातों को भूल कर हमें मिलकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना है। और नियमों को भी क्या करना है यहां पे? अपनाना है। फिर देखिएगा, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, छोटे हैं बड़े हैं सबको क्या करना है? मिलजुल कर रहना है, सबको सभी मिल जाना है। गिरे हुए को तुरंत उठाएं, जो गिर गया, जैसे कि आप सब बच्चे जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए, आठवीं कक्षा के बच्चों को नई साइकिल मिल गई, नई साइकिल जो लेकर आप जा रहे हैं, तो कोई एक आपका साथी जो है वहां पे गिर गया, गिरने के बाद आपको क्या करना है? तुरंत उसको उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको देखकर हंसा, गिर गया ऐसा हंसना नहीं है। क्या करना है?
तुरंत उसको हमें उठाना है, उठाकर उसे पूछना है कहाँ चोट लगी है, क्या है। इस तरीके से जो भी यहाँ पे गिरा है उसको हमें उठाकर उसके बारे में या उसके साथ हमें मिलजुल कर रहना है। फिर देखिएगा, करें किसी का ना अपमान, किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए, है ना। आज हमने किसी का अपमान किया तो समझ लेना चाहिए कि हमें भी ऐसा समय आएगा, हमें भी ऐसा समय भगवान देगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसी ही मति दो भगवान, हे भगवान मुझे ऐसी ही मति दो, ऐसी ही बुद्धि दो कि मैं किसी का अपमान ना करूं, किसी का अपमान मैं ना करूं, ऐसी मति मुझे, ऐसी बुद्धि मुझे दे भगवान, ऐसे हमें पूछना चाहिए। फिर देखिएगा, एक रहे सद्भाव रखे हम, हम सबको एक होकर रहना है। एकता में क्या है, बल है, एकता में बल है, वगच्छिन अली बलविदे, है ना। इसी तरीके से क्या कहता है यहाँ पे, एक रहे सद्भाव, अच्छे भाव हमारे अंदर रहना चाहिए। हमारे अंदर कैसे भाव रहना है, सद्भाव, उत्तम भाव, अच्छे भाव रहना चाहिए। देश देश में मान रखे हैं, ऐसा नहीं कि वो देश ऐसा ये देश ऐसा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यहां बताना है हर एक देश का, पहले हमारी माता, हमारी मातृभूमि, मातृभूमि का आदर करते करते जो दूसरे देश हैं उनका भी आदर करना चाहिए। पहले हमारा देश, हमारे देश का आदर करना, फिर दूसरे देशों का भी हमें आदर करना चाहिए, है ना। हट छोड़े संयम अपनाए, हट छोड़ना है, कैसा, जो बुरा हमें हट है ऐसे हट को हमें छोड़ देना चाहिए और संयम को अपनाना है। संयम का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, संयम का अर्थ यहाँ पे संयम, कन्नड़ में जैसे हम संयमा बोलते हैं, तो उसको अपनाना चाहिए, है ना, उसको अपनाना है, हट को छोड़ना है। लेकिन मातृभूमि पर बलि बलि जाएं, मातृभूमि के ऊपर हमें बलि बलि, हमेशा मातृभूमि की सेवा के लिए हमें तैयार रहना है। मातृभूमि की सेवा के लिए हमें हमेशा क्या होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, यानी कि तैयार होकर रहना चाहिए। तो इस कविता में हम देखते हैं कि क्या इस कविता से हमें सीख मिलती है, बताइए बच्चों। हाँ, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना है। सही कहा तुमने, सही, क्या है, पहले मिलजुल कर रहना है और किसी का हाँ अपमान नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना है, भेदभाव नहीं करना है। देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे हमें इस पाठ से क्या क्या सीख मिलती है, छोटे बड़े का भेदभाव ना करें, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं, मिलजुल कर रहना है, क्या करना है यहाँ पे, मिलजुल कर कैसे रहना है, हमें मिलजुल कर रहना है। फिर किसी का अपमान ना करना, किसी का अपमान हमें नहीं करना है। और अंत में देखते हैं, देश के प्रति अभिमान रखना है, क्या करना है देश के प्रति हमें, हाँ देश के प्रति हमें अभिमान रखना है। समझे बच्चों, समझ में आया आप लोगों को, हाँ। तो देखिएगा, शब्दार्थ जान लिए, कविता को पढ़ने का ढंग भी हमने देखा, उसके बाद हमने ये भी देखा कि राग से कैसे पढ़ा जाता है वो भी देखा, और इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है, और इन अंशों को हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्या करना है, इसे अपनाना है। आप लोग अपनाएंगे ना, हाँ। आप सब लोगों को कैसे रहना है, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना है, सबको क्या करना है, मिलजुल कर रहना है, किसी का अपमान नहीं करना है, देश के प्रति अभिमान रखना है। तो इन सारे अंशों को हम इस कविता में देखते हैं, समझ में आए ना, हाँ। तो इतना सब आप लोगों को जानने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा कार्य दूंगा, उस कार्य को आप क्या करना है, पूर्ण करना है, करेंगे, हाँ। तो वो कार्य क्या है, गृह कार्य, क्या है वो, गृह कार्य। तो यहाँ पे पहला प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखा है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न क्या है, हट छोड़कर हमें किसे अपनाना चाहिए, हट को छोड़कर
हमें किसे अपनाना है? मैं नहीं बताऊंगा, आपको लिख कर लाना है। अब देखिएगा तीसरा क्या है, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए, भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। हाँ नहीं बताना है आपको, क्या करना है इसको अपनी बही में, अपनी नोटबुक में इसको लिख कर लाना है। समझ में आया छात्रों? हाँ, तो फिर ये देखिएगा जो आठवीं कक्षा की जो पहली कविता थी प्रार्थना, इस कविता के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। और हमारा चैनल जो है कौन सा है, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम, इस YouTube चैनल को आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।